नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप WhatsApp पर पहली बार आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों ये बेसिक जानकारी है जो हर किसी को पता होता है, लेकिन फिर भी अगर आप WhatsApp के नए यूजर्स हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताए हैं कि आप WhatsApp पर आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम और WhatsApp ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे WhatsApp और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर के WhatsApp और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि ऐसे ही छोटी बड़ी अपडेट हम अपने WhatsApp और टेलीग्राम पर भी शेयर करते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना WhatsApp इंस्टॉल कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं, तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। और जैसे ही ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि इस आइकन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और जैसे ही एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जिस भी नंबर से आप WhatsApp अकाउंट बनाना चाहते हैं वो नंबर आपको यहाँ पर इनपुट कर देना है। तो चलिए हम अपना नंबर यहाँ पर इनपुट कर लेते हैं। नंबर देने के बाद अब आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस फिर से आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अपना नंबर मिला लेना है। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही ओके पर क्लिक करते क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, जिस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यू मे रिक्वेस्ट अ न्यू कोड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड आ चुका है। कोड आने के बाद ये ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अब आपको यहाँ पर इसे कट कर देना। कट करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको नोट नो पर क्लिक करना है। जैसे नोट नो पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको बैकअप लेना है तो यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे, अगर बैकअप नहीं लेना है तो कैंसिल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नेम लिख लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना नेम लिख लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना प्रोफाइल लगाना। प्रोफाइल लगाने के लिए इस आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, और जैसे अब आपको फिर से यहाँ एलो पर क्लिक कर देना है। गैलरी में जाने के बाद आपको एक इमेज सेलेक्ट कर लेना। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज हम सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही डन पर क्लिक करते कुछ इस तरह से आपका प्रोफाइल लग जाएगा। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। और जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि WhatsApp अकाउंट बन करके रेडी है। तो इस तरीका से आप भी पहली बार अपना WhatsApp पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।